और उसका मार्जिन एक्सपेंशन कैसे हुआ है? वापस बोलना क्वेश्चन। और एन ए पावर का जो रिजल्ट्स आए हैं जो कि यहाँ पर हैं वो इतने अच्छे कैसे आए? डाइल्यूशन है, पैसा रेस किया है, डेट भी लिया है, सब कुछ किया है और अच्छा गुड सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपेंशन भी है, सब कुछ है। तो अभी नया कंपनी है तो इसका भी वो अपने पास वो तो नहीं है, क्या कहते हैं, एनुअल रिपोर्ट। तो मेरे को ये मार्केट डायनेमिक्स मिला जो इसका फेब्रुअरी के अंदर आया था, ठीक है। तो ऊपर का तो इंडियन इंडस्ट्री आउटलुक है, जरा ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ो, देखो आपको कुछ अच्छा इंसाइट्स मिलना चाहिए। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी एंड बाई 2026 न्यू कैपेसिटीज एडिशन आर एक्सपेक्टेड टू बी डबल्ड फ्रॉम हियर एंड करेंटली वी आर एट 165.94 इंक्लूडिंग हाइड्रो रिप्रेजेंटिंग 40% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी। 450 जाना है जिसमें अराउंड 280 हो जाएगा अपना सोलर। नॉन हाइड्रो कैपेसिटी 4.2 GW फॉर द फर्स्ट 3 months फेब्रुअरी। तो बाई नवंबर 2022 आवर कैपेसिटी शुड बी 49+12, इतना बिलियन यूनिट अपन बना रहे हैं, 363 GW का कैपेसिटी हो रहा है। तो मुझे ये देखना है कि ओरियाना पावर जो कंपनी है जिन्होंने इतना अच्छा सुपर रिजल्ट्स दिया है, हाँ इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है ना यार, कैपेक्स में तो क्या है, तो रिजल्ट अच्छा आ सकता है ना। तो अब यहाँ कंपनी का कैपेसिटी कितना है किसी को पता है? किसी ने ट्राई ट्राई किया है क्या इसको कभी? एनी आइडिया? नहीं सर, ये कंपनी नहीं बैठ देखा है सर, अभी आप बोल रहे हैं तभी देख रहा हूँ। ये वही वायरी रिन्यूअल वाला काम है, ईपीसी मॉडल। काम तो ये भी अच्छा कर ही रहा है यार। अरे बाप रे, कितने सारे बुलेट कर चुका है। कारपोर्ट सोलर ये कैपेसिटी किधर है यार? अरे सर 110+ MW पावर कैपेसिटी है रूफटॉप सोलर का और 80+ MW पावर। वो स्क्रीनर में बाप जाएंगे तो वहाँ अब बिजनेस अपडेट करके एक
वर्ड फाइल है नीचे पीडीएफ में। ये रहा ना, ये नहीं नहीं बोल नहीं रहा नहीं एकदम एंड में जाओ ना, बिजनेस, एकदम एंड में जाओ। ये अपडेट्स। हाँ ये, हाँ ये पीडीएफ में सबसे पहले जो आप ढूंढ रहे हैं पहले दो वर्ड में आपको मिल जाएगा। अर्निंग्स, अर्निंग्स वो रिपोर्ट। अबाउट में प्रोजेक्ट्स एंड कैपेसिटी है ना, आप कैपेसिटी ढूंढ रहे हो ना। ये नीचे है ना, 80+ मेगावाट, 110+ मेगावाट पावर। दिस इज मेगावाट पीक, 80+ एंड मेगावाट पीक जनरेटेड टू रोबस्ट ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट एंड 100+ मेगावाट पीक कैपेसिटी फ्रॉम रूफ टॉप सोलर ग्रुप और फोर एनिमेशन फुटिंग। ये तो वो कहे काम है जो ये कर चुका है। ओरेना है सक्सेसफुली डिलीवर्ड 200 मेगावाट पीक, MWP इज मेगावाट पीक लोड, राइट। ये इसका कैपेसिटी नहीं है जितना पीक पीक लोड पे उसका वो पूरा प्लांट चलेगा, ये उसकी क्या वो डिटेल दे रहा है। अब एक चीज देखो, बैटरी स्टोर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स वारी टाइप यही काम कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर वारी एनर्जीज ये काम कर रहा है, और कंप्रेस बायोगैस तो ये बायोगैस के भी काम कर रहा है। कंप्लीट लाइफ साइकिल, रेस्को मॉडल, कैपेक्स मॉडल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पोर्टफोलियो विद एडिशनल 250+ मेगावाट पीक और सोलर पर। ये तो ये काम कर रहा है अंडर एग्जीक्यूशन विद सीबीजी ग्रीन हाइड्रोजन स्टडी इज इम्प्लीमेंटेड 120 प्रोजेक्ट्स मिशन एंड कमिटमेंट ग्लोबल फुटिंग फ्लोटिंग सोलर। ये तो जो काम ही कर, ये 2 गीगावाट का काम कर लिया है कैपेसिटी, ये रहा सीबीजी वाला कंपनी है क्या सर? 600 मेगावाट पीक का कैपेसिटी एडिशन है, कैपेसिटी इन पाइपलाइन, क्रेडिट रेटिंग बी, क्यूमुलेटिव कैपेसिटी अंडर एग्जीक्यूशन 250 मेगावाट पीक का कैपेसिटी है और 600 का बढ़ा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। अब ये मार्केट कैप हो गया, सब कुछ हो गया, मान लो मेरा 600 का कैपेक्स पूरा हो गया, 800 850 का मेरा कैपेसिटी है। नाउ 1 मेगावाट टू हाउ मेनी MWP, इसका भी एक रेशियो होता है कि कितने मेगावाट पीक में वो जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेगावाट एंड मेगावाट पीक, प्लीज रीड। बट सर ये ईपीसी है ना, ये कुछ बना नहीं रहा है, सोलार मॉड्यूल या सेल कुछ बना नहीं रहा है, ये सिर्फ जाके इंस्टॉल कर रहा है। हाँ, ईपीसी, ईपीसी पी मीन्स पीक, व्हाट द फार्म वुड प्रोड्यूस इन आइडियल लेबोरेटरी कंडीशंस, ऑल पैनल्स एक्टिव, ऑल प्रॉपर्टी मतलब फुल कैपेसिटी पे जब सारे उसके चीजें अच्छी चलें तो एक्चुअल मेगावाट प्रोड्यूस्ड ऑफ कोर्स इज लोअर देन दिस बिकम्स लेस इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग एंड बिकम नियर जीरो एट नाइट। तो मेगावाट पीक जब दिन की फर्स्ट क्लास गर्मी होगी तो दैट इज द टाइम दे कैलकुलेट द मेगावाट पीक, दिस इज द पीक, ये सुबह का टाइम या शाम का टाइम, तो ये चला कैपेसिटी पीक पीक पकड़ा और ये नीचे चला गया। अब ये भाई साहब यहाँ कह रहे हैं कि मेरी जो कैपेसिटी है तो वो 250+ मेगावाट पीक है, 200+ मेगावाट पीक के मैं प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी इससे भी कम है, ये तो पीक कैपेसिटी है, और 600+ मेगावाट पीक की मैं कैपेसिटी बना रहा हूं। इससे समझ में आ गया व्हाट इज मेगावाट पीक एंड मेगावाट, और जो मेरा मेगावाट होगा वो मेरा काफी कम होगा, राइट। एंड दिस इज द चार्ट जो सुबह आई थिंक ये 6:30 बजे से लेके शाम को कितने बजे, 6-7 बजे तक का चार्ट है। दिस इज द पीक, 5.5 आवर्स ऑफ पीक सन आवर एवरी डे, सो लो मॉर्निंग कैपेसिटी हाई एंड दिस इज द पीक। तो ये कहानी यहां बता रहा है। अब पीक का रेशियो टू कैपेसिटी ये अपने को जान करके नहीं दे रहा है, ये अपने को जान करके नहीं दे रहा, ठीक। इसलिए बट तो सर ऑर्डर कैपेसिटी कैसे मैटर करता है यहाँ पे? बना तो वो कुछ नहीं रहा है, वो तो जो दूसरे ने बनाया हुआ आइटम कैपेसिटी में तो लगेगा।
कैपेसिटी ऐसे मैंने कहता है कि मैं जो ईपीसी काम कर रहा हूँ, जो मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, मेरे पास कितनी कैपेसिटी, एक टाइम पे मैं कितना कर सकता हूँ। टीम साइज ऑफ 104 मेंबर्स, मार्केट कैप क्या है? वाह, 100 लोगों की टीम में 35 करोड़ का मार्केट कैप, सुपर काम हो रहा है। अगर इसमें ये भी तो काउंट होगा ना, इसमें अगर 5 साल पहले किसी का बनाया रहेगा तो उसका भी अगले 5 साल तो गिनता रहेगा ना, वो हाँ, तो वो तो पीक लोड इसके बता रहा लिए हूँ, मुझे कोई सेंसेबल मैट्रिक नहीं लग रहा है, इसके लिए मैं पूछ रहा था। सेंसिबल तो नहीं है, वो तो पीक पकड़ रहा है ना। तो मेरा पीक कितना है? वो तो आपको पीक पकड़ रहा है। अब आप ये देखो, सिमिलरली इफ आई गो टू स्क्रीन, अगर ये भाई साहब का देखो क्या कहता है, रेवेन्यू, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, क्लाइंटेल, ओएनएम। तो इसे कंपनी ऐसे 490+ मेगावाट ओएनएम पोर्टफोलियो जो मैं संभाल रहा हूँ, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सो ही इज गिविंग यू एंड ही इज गॉट 856 मेगावाट ऑर्डर्स एंड एक्चुअली ऑर्डर 96 मेगावाट इन क्यू वन FY24। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इतना, ये मेगावाट पीक, राइट? तो ये मेगावाट एंड मेगावाट पीक में ना अच्छा खासा अपने को पागल बना देते हैं ये। तो ये तो, ये बंदा तो अपने ऑर्डर पाइपलाइन बता रहा है कि मेरे पास इतने ऑर्डर हैं, इतना फ्लोटिंग है, इतना ये है, और इन्हें नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? नो वेयर इज गिवन माई मेगावाट कैपेसिटी, तो मैं कितना काम कर सकता हूँ। अगेन ऑर्डर बुक ऑफ 250 पीक एंड 21 टन्स पर डे कैपेसिटी ऑफ सीबीजी प्लांट विच इज द बायोगैस प्लांट। ऐसे भी कंपनी ऐसी होती है, थोड़ा अच्छा काम करती है, थोड़ा छुपाती है, थोड़ा बताती है। ऐसे भी कंपनी ऐसी होती है। बट सर, मतलब मेरे को ईपीसी कंपनी का अभी भी वो लॉजिक नहीं समझा। जो उसका जितना ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से ही बनाएगा ना, अगर उसको कोई सब छोटा कंपनी से ऑर्डर आए भी 10 मेगावाट का बना तो वो 10 मेगावाट का बनाएगा, ये 100 का ऑर्डर आए तो 100 बनाएगा, वो अपने ऑर्डर नहीं दिखा रहा है, मतलब बस वही एक वो चीज। सर मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 40 एम्प्लॉइज हैं, तो 1 साल में 40 एम्प्लॉइज से मैं कितना काम निकाल सकता हूँ, वो मेरा मतलब है कैपेसिटी का। अब इसके पास एम्प्लॉय 40 हैं और इसको 400 एम्प्लॉइज का काम मिल गया, बिकॉज ईपीसी है, इसको तो बना के देना, जितना ऑर्डर आएगा उतना बना के देना, और हम ऑर्डर बुक पर खेल खेल रहे हैं तो हम फंस जाएंगे। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, पर क्या उसमें ऑर्डर बुक को पूरा पूरी जितना कैपेसिटी है? इसका सेल बढ़ा है ना, उससे कई ज्यादा गुना में इसका रिसीवेबल बढ़ा है। वो भी एक 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 मैंने ओ, जस्ट क्विक ग्लांस किया, इस रिसीवेबल हैज गॉन अप मोर देन। वो तो पैसे आने ही नहीं है, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो तो पैसे आने ही नहीं है। वो तो सेल बढ़ा दिया, प्रॉफिट दिखा दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखो, ऐसे सेल बढ़ा के और रिसीवेबल जो फंसा दिए थे लोगों को, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखा। तो हुआ क्या सर, ये कंपनी थी जो हम लोग देखते थे पहले, और इस कंपनी में क्या हुआ, अचानक सेल्स बढ़ गई। देखो यहां से यहाँ अचानक सेल्स बढ़ गई, एंड फ्रॉम 6 करोड़ प्रॉफिट वी वेंट टू 79 करोड़ प्रॉफिट, राइट? और 2021 में 2022 में प्रॉफिट डबल हो गया, एंड सेल्स वाज रनिंग लाइक एनीथिंग। बट जहां तक मुझे याद है, कैश फ्लो नहीं था, कैश फ्लो नहीं था, पैसे आए नहीं, तो डेफिनेटली मेरा रिसीवेबल्स भी बढ़ा ही होगा, तभी तो मेरा कैश फ्लो नेगेटिव किया, इज अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स, ठीक है? और उसको इन्वेंट्री भी चाहिए थी और कैश फ्लो भी नहीं इसको आ रहा था। तो व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज टेकिंग मोर ऑफ लोन्स। ये 2-3 साल में देखो क्या हुआ स्टॉक में, उसको रॉकेट अप रॉकेट डाउन। और इस कंपनी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ 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 भी नहीं है। स्टॉक प्राइस स्टार्टेड फ्रॉम 35 रुपीज, वेंट टू 1,000 रुपीज, 900 कुछ ऊपर गया, वापिस आ गया 100 रुपये। सो मच फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कैश फ्लोज आर नॉट मैचिंग एट ऑल। आई शो यू द गेम दे प्लेड, दिस वॉज द गेम दे प्लेड। दुबई फंड मैनेजर हैड टू बाय दिस कंपनी,
जो उसने बाद में ऑर्डर कैंसिल हो गया था। तो इफ यू लुक एट योर प्रॉफिट्स, योर टोटल प्रॉफिट इज हाउ मच इन द लास्ट 10 ईयर्स? 250 करोड़। और लुक एट योर कैश फ्लोस, -115 करोड़। दिख रहा है? सब क्रेडिट में गया या तो राइट ऑफ हो। हाँ, एक गोडाउन से दूसरी गोडाउन में माल भेज रहा हूँ और मैंने राइट ऑफ करता जा रहा हूँ, खत्म। इसका ना मैंने एक इसी चीज को देख के मैंने यहाँ पर एक चीज बनाई थी कॉमन साइज, जो कि ये है। इफ यू वांट आई कैन जूम द स्क्रीन। यहाँ पर यू सी माय सेल्स वेंट अप बाय 1%, माई इन्वेंट्री वेंट अप बाई 68%, माई अकाउंट इज 1%। नाउ यर माई इन्वेंट्री वेंट अप बाई 110%। जहां भी आपको ये लास्ट डिस्पैरिटी दिखे ना, सी द सेल्स वेंट अप बाई 16%, एंड सी द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री वेंट अप, सॉरी अकाउंट इज गोइंग अप। और यहां भी देख लो, हेलो थोड़ा सा बड़ा कर दो सर। अच्छा हाँ जी बोलो, किसने दिया था? हाँ हाँ बोली, क्या चाहिए आपको? हाँ सॉरी, मेरा एक कॉल आ गया था। देखिए दिख रहा है स्क्रीन, हेलो। तो दिख रहा है, अगर स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऊपर से टच। अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ सर, ये बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ दो चीजें बना के रखी थी, किस रेट से मेरी सेल्स बढ़ रही है और कंपैरिजन मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल इन्वेंटरी और मेरे टोटल कॉस्ट किस रेट से बढ़ रहे हैं। सो इफ आई सी माय सेल्स इज गॉन अप बाय 56% ओवर ईयर, व्हिच इज वेरी गुड कंपेयर्ड टू दिस ईयर, बट माय रिसीवेबल्स हैज गॉन अप बाय 152%, यानी कि पैसे आए नहीं, इन्वेंटरी कम हो गई, ये सारा माल मैंने बेच दिया। अगेन अकाउंट रिसीवेबल गॉन गोइंग अप बाय 45%। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेल्स जो है ये बोगस भी हो सकती है। सी द नेक्स्ट पीरियड द सेल्स वेंट डाउन। यही हमारे ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स और एना जैसी कंपनी, वारी जैसी कंपनी, जो जैसे भी मर्जी नंबर दिखाना चाहे दिखा देते, कैश फ्लो आता ही नहीं है। दूसरी एक चीज क्या है, मैंने इन्वेंटरी को और रिसीवेबल्स को कॉमन सेंस कर रखा है। इफ आई एड दीज टू नंबर्स, कि माई नंबर इज 40%, इफ आई एड दीज टू नंबर्स, कि माई नंबर इज 56%, मतलब मैंने अगर 1 रुपए की सेल करी तो उसमें से 56% तो मेरे इन्वेंट्री में और अकाउंट रिसीव में फंसे अटके रहने वाले, वो मेरे धंधे में आना ही नहीं। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट सेल्स? आई विल बी हैविंग प्रॉफिट्स बट आई विल नॉट बी हैविंग कैश। तो यही जो आपका ओरियाना पावर है, नाइस प्रॉफिट्स नो डाउट अबाउट इट, नाइस प्रॉफिट्स नो डाउट अबाउट इट, बट वेयर इज द कैश? लेट्स सी व्हाट दे हैव रिपोर्टेड इन द कैश फ्लो। मैंने देखा नहीं, बट आई विल ऑल्सो सी रिजल्ट्स अपडेट्स। ये रिजल्ट तो स्किनर पे भी है ना नहीं आ रहा ना स्क्रीन में, कैश फ्लो तीनों में रिजल्ट तो सर? आ मैंने गया। कैश फ्लो नहीं है, मार्च में नहीं है, मार्च हाँ हाँ रिजल्ट तो है, रिजल्ट के साथ से मुझे कैश फ्लो तो देखना है, तब तो मुझे पता चलेगा। मैं केवल रिजल्ट नहीं देखा, यही है ना रिजल्ट? नहीं, नीचे होगा सर, नीचे होगा। नहीं तो मैंने अपना टेलीग्राम में मैंने शेयर किया है सर, वो पीडीएफ। ये रहा। अरे ये तो अर्निंग प्रेजेंटेशन, तो ये तो मैंने भी खोली, मुझे तो रिजल्ट नहीं, ही नहीं है। क्वार्टरली क्वार्टरली थ्रेड में सर, क्वार्टरली थ्रेड में, क्वार्टरली थ्रेड। ये रहा तो आई थिंक एको आ रहा किसी की तरफ से, मेरी आवाज एको आ रही। ये रहा, ये आपके रिजल्ट्स हैं। 64 करोड़ सेल्स गोइंग अप टू 318 करोड़, वाओ सुपर सेल्स, स्टार्टअप कंपनी, फट गया नंबर, सब कुछ हो गया। मार्जिन मार्जिन आपको सबको निकालना आता है, वो उस चीज में जाना जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दे हैव डाइल्यूटेड, वो दिख ही रहे हैं हमारे को,
रिजर्व भी बढ़ गया, डाइल्यूशन का पैसा भी आ गया, बोरिंग्स भी बढ़ गई, कमी धमाका हो गई, कैश फ्लो कहाँ है? व्हाट इज द कैश फ्लो दे हैव मेड? हैव अ लुक, लास्ट ईयर द कैश फ्लो वाज 15 करोड़, टुडे दिस ईयर द कैश फ्लो इज 2 करोड़, 2.6. व्हाई वी हैव नॉट मेड कैश फ्लोस? ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर पेंडिंग इन द बैलेंस शीट वॉज 11.4 करोड़, दिस टाइम इट इज 41 करोड़. एंड लोन्स एंड एडवांसेस जो इन्होंने दे रखे हैं शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस में तो कोई प्लांट एंड मशीनरी को तो मैं शायद ही दूंगा, या तो मैंने अपने किसी सिस्टर कंसर्न कंपनी को दे रखे हैं, और इस कंपनी का अपने पास एनुअल रिपोर्ट अभी है नहीं. तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो मैंने दे रखे हैं 62.5 करोड़, लास्ट ईयर वाज 10 करोड़. आई हैव टेकन बोरोइंग्स. एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, सच्ची सच्ची मुझे एक बात बताओ, ये जो बोरिंग है ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो है या फाइनेंसिंग कैश फ्लो है? ध्यान से देखिए बताओ, बोरिंग क्या मेरे ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आता है, मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में, या फाइनेंसिंग कैश फ्लो में आता है? चलो नाइस केस स्टडी. फाइनेंसिंग. हाँ, तो ये वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग में, ये बोरिंग्स में से इसको 36 करोड़ रुपए मिला है, ये एंट्रियां होनी ही नहीं चाहिए, ये गलत एंट्री, दिस इज रॉन्ग, ये इसने आपको पागल बनाया, ये एंट्री जानी चाहिए मेरी यहाँ फाइनेंसिंग में. ठीक है, हो सकता है शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, अनुपम सर गलत बोल रहे हैं, क्या था वो? तो सी सॉरी फ्रॉम बोरोइंग्स कैश फ्लो, कैश रिसीव्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ अदर अदर टू एक्वायर कैश, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. क्या पता शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, ये तो यूएस साइट आ गई है, तो इंडियन चाहिए. आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? कहाँ गया वो? अरे घूम गया. यहाँ पे क्या हो रहा है? आया समझ में? लोचा लफड़ा पकड़ में आया. पर अगर मैं ये 36.56 करोड़ हटा दूँ क्या ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव नहीं हो जाएगा? बोलो 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 बोलो. अरे बोलो, कोई तो बोलो. अरे आया है तो ये कंसोलिडेटेड देख रहे हैं कि स्टैंड अलोन देख रहे हैं? कोई भी देख रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, ये मतलब बोल कंसोलिडेटेड, रहे हैं मतलब कंसोलिडेटेड देख रहा हूँ. तो मतलब वो सब्सिडरी से अगर लोन लिया है तो वो आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे? हमको थोड़ी नहीं आएगा, सब्सिडरी से भी लोन लिया है, किसी काले चोर से भी लोन लिया है, तो वो फाइनेंसिंग में जाएगा, ऑपरेशंस का लोन पार्टी नहीं है, ऑपरेशंस का लोन पार्टी नहीं. अरे सर, मैंने ये आपको इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखी, क्या नाम है उसका, भूल गया मैं, और इतनी लंबी चौड़ी मैंने आपको कहानी लिखी यहाँ पर, तो नहीं 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 परफेक्ट. सर, मैं मतलब मैं आई 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 एग्री विथ यू. मतलब मैं आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर ये ऑडिटेड बोल रहा है या अनऑडिटेड है, क्योंकि अगर ऑडिटेड बोल रहा है तो ये हो नहीं सकता. ऑडिटेड, ऑडिटेड, ऑडिटेड 31 मार्च 2024, ऑडिटेड चौबीस ऑडिटेड. ऑडिटेड बोलेगा तो कैसे होगा सर ये? अरे क्यों यार, ऑडिटर को पैसा चाहिए अपना, उसको उसके पेट में क्या दर्द पड़ रहा है, इन्वेस्टर जाए गड्ढे में. ऑडिटेड, वेरी मच ऑडिटेड. चल लेट्स 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 टेक एनी अदर कंपनी, लेट्स टेक अ बिग कंपनी. कौन सी कंपनी हो? रिलायंस लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी. तो मतलब वो फिर वो मतलब सर और रिलायंस डील के दे लिए रहा हूँ, ऑडिट सर्टिफाई कैसे करें? सर रिलायंस इंडस्ट्री दे रहा हूँ, यहाँ भी बहुत सारे लोन्स हैं, सबसे बड़ी कंपनी, इससे बड़ी तो कोई कंपनी पूरे इंडिया में नहीं है. ठीक है, मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, आई डोंट नो. लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू द कैश फ्लो. इतना सबसे गंदा लगता है मेरे को, डबल डबल पेज, सिंगल पेज में क्यों नहीं देते? कहाँ गया यार,
ये तो शायद इसका वो होगा, इसका कंसोलिडेटेड ले लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर ये भगवान। ये तो 38 पेज का एनुअल रिपोर्ट तो हो नहीं सकता यार रिलायंस का, कुछ तो गलती है। सॉरी 320 पेजेस। आई वांट टू प्रोच विद द बैलेंस शीट। कहाँ है बैलेंस शीट इसका? तो एआर खोलने में डर लगता है। पेज नंबर सर फोर हंड्रेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही आएगा, वैसे देखने की है नहीं लोड। वही तो बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। सब लोग डाउट कर रहे हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अनुपम सर ने भी बोल दिया तो कुछ सही बोला होगा मैं डाउट नहीं कर रहा, मैं बस ऑडिटेड लिखा करके तो मेरे को तो ना। फोर चला है। हंड्रेड एंड 12, पेज नंबर 412। कहाँ है 412? 329, 345, 359। कहाँ गया ये राम? कभी हम लोग हमारे जैसे आम आदमी रिलायंस को पढ़ पाएगा क्या? ये आ गया हमारा बैलेंस शीट, ये आ गया हमारा पीएनएल, और ये आ गया जी आपका क्या है, सीबी पीएनएल, ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अदर इक्विटी, और कैश फ्लो कहाँ गया? ये रहा जी आपका कैश फ्लो। देखो जी आ रहा है इसमें वर्किंग कैपिटल, ये भी तो लोन देता है। सो दीज आर नेट प्रॉफिट, देन कंटिन्यूस ऑपरेशन, डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन, ये तो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए जो भी इनको एडजस्टमेंट्स करने हैं। ये आ गया आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एडजस्टमेंट्स फॉर रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज एंड ट्रेड पेबल्स। फिर आ गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब ये आ गया आपका प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स, शेयर कैपिटल, नेट राइट इश्यूज, लीज ऑफ प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग। नहीं, ये रहा फाइनेंसिंग में ही होना चाहिए। जब रिलायंस आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज में दिखा रहा है तो ओरिना पावर रिलायंस से बड़ी होगी क्या? ओरिना पावर रिलायंस से बड़ी होगी क्या? सो दिस इंक्रीज, सी दिस इज द ब्रैकेट, इज अ डिक्रीज, दिस इज एन इंक्रीज, इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, मतलब ही एंट्री यहाँ आ जाए, दिस इज रॉन्ग, लूपहोल। दैट मीन्स देयर इज इमेंस गुड अमाउंट ऑफ सेल्स, इमेंस गुड अमाउंट ऑफ जंप इन प्रॉफिट्स, टैक्सेशन हैज आल्सो गॉन डाउन, कुछ भी लोगों के लॉसेस वॉस आई डोंट नो, एंड देयर मार्जिन हैज आल्सो गॉन अप। वन मोर थिंग, और नहीं ना, वन मोर थिंग व्हिच आई एम हैविंग अ डाउट ओवर हियर इज, ये मेरे को क्यों नहीं दे रहा है? वन मोर थिंग आई एम हैविंग अ डाउट ओवर हियर इज, लेट्स गो टू द स्टैंड अलोन। इसने अपना कुछ बिजनेस मॉडल भी चेंज किया है। व्हाई व्हाई द मार्जिन्स हैव गॉन अप वेरी ड्रास्टिकली, समथिंग ही हैज चेंज इन हिज बिजनेस मॉडल, कैन यू सेंस दैट? समथिंग ही हैज चेंज एक्सपेंसेस का, ये मेरे को, आप किसी को आ रहा है एक्सपेंसेस का कॉलम प्लीज देखो। सॉरी सर वो पीडीएफ पे क्लिक कर रहा सॉरी हूँ, सॉरी, वो पीडीएफ क्वार्टरली में नहीं आ रहा, पे सॉरी सॉरी क्वार्टरली में नहीं आ रहा। सी फर्स्ट इट वाज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नाउ इट इज मटेरियल कॉस्ट। या तो ये स्क्रीनर का बाइफरकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड इस मटेरियल कॉस्ट वाज जीरो बिकॉज ही इज अ ईपीसी प्लेयर, उसको मैन्युफैक्चरिंग, उसको सिर्फ काम करना है जाके, उसका कुछ नहीं। फर्स्ट इट वाज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नाउ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज जीरो एंड नाउ इट इज अ मटेरियल कॉस्ट। ट्रेडिंग करने लग गया है क्या? माल लिया माल बेचा, माल लिया माल बेचा, बाकी वो एम्प्लॉय कॉस्ट अदर कॉस्ट मोटा मोटा 1-2%, 1-2% का सेल्स चल रहा है। व्हाई इज सच अ ड्रास्टिक शिफ्ट? और यही मेरे को मार्जिन में दिख रहा है। टी 75 एंड 81 कितना डिफरेंस है? 6%। व्हाट इज द डिफरेंस इन द मार्जिन? 6%। हैज ही गॉट एनी मनी टू पे डिविडेंड्स? नो, ही इज स्टिल अ स्टार्टअप बिकॉज ही हैज एन एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्टार्टअप, फास्ट ग्रोइंग सेल्स, ग्रॉस मार्जिन भी पॉजिटिव होगा, ऑपरेटिंग मार्जिन भी पॉजिटिव है, डायल्यूशन भी कर रहा है, तो ही स्टिल डूइंग सेल्स। तो इसका मतलब ये कंपनी एक स्टार्टअप है। नाउ इफ आई हैव टू वैल्यू दिस बिजनेस, आई हैव टू टेक द मार्केट साइज, आई हैव टू टेक द मार्केट साइज, टीटीएम जो इसका वो टैम है, वो लेके इसको मैं वैल्यू कर लूंगा।
नंबर बड़े अच्छे हो गए हैं, 154 आरई, ये 154 स्टॉक, अपर सर्किट स्टॉक भाग रहा है, बड़ी अच्छी कंपनी है, कैश नहीं, कंपनी नॉट पेइंग एनीथिंग, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर द लास्ट क्वार्टर, कितना होशियार है ना प्रमोटर, लास्ट क्वार्टर हाउ डज डिक्रीज, आई डोंट नो, तीन प्रमोटर्स हैं या तो कोई बेच के भाग गया होगा, सो समथिंग इज देयर विच इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई एंड वी गेट सम टकिंग टाइप ऑफ अ थिंग ओवर हियर, सो डोंट गो इन टू दिस फ्रेंजी ऑफ सोलर एंड गो ट्राई एंड जम्प ऑन एनी कंपनी यू लाइक लेफ्ट राइट एंड सेंटर, आप फंस भी सकते हो बिकॉज ये एसएमई में लिक्विडिटी नहीं होती है, फ्रॉड कॉर्नर होता है, इसको चला देते हैं, बाद में हमारे जैसे बंदा सोचता रहता है। सर एक और एक रिजल्ट मैंने शेयर किया था आईएफसीएल का, वो भी एकदम मतलब पागल जैसे, मतलब या तो आईएफसीएल रेफ्रिजरेटर या तो कुछ तो जो आईएफजीएल आईएफसीएल कौन सा है, आईएफसीएल मैं वो क्वार्टरली में डाला है ना स्क्रीनशॉट, आईएफसीएल क्वार्टरली ये तो मेरे को डिक्शनरी में दिख रहा है, एक्सटेल नेट प्रॉफिट डाउन, और एक बाप मैं आपको बोलता हूँ, सॉरी आईएफसीआई, सॉरी मैं एल बोल दिया, इसका जो रिजल्ट आया ना मतलब सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो मतलब क्या इसने जादू कर दिया या क्या हो गया समझ में नहीं आया इसका। क्या हो गया सर बताओ, इसका बस सिर्फ एनुअल रिजल्ट देखो, क्वार्टरली छोड़ो, 2023 और 2024 का रिजल्ट देखो, ओपीएम जंप फ्रॉम 48 टू 64, सेल्स हैज इंक्रीज बाय 33%, प्रॉफिट देखो आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 20 टू 70, सर व्हाट इज हैपेंड ओवर हियर, दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दिस इज अ फाइनेंस कंपनी, ये एनबीएफसी है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, पॉइंट नंबर वन। Secondly, what you see is their NBFC has a major expenses is the interest cost. So my interest cost from 2000 crores, 3000 crores is continuously going down. So if you look at the balance sheet, aapne preference capital uthaya hai, yahan 20-20,000 crore ki aapki borrowing chal rahi hai, kyunki aapne loan lo, leke loan doge na, yehi to aapka kaam hai. So now you see your borrowings are, now you see your borrowings are going down. Similarly, your other assets, which is your cash equivalents or your short-term loans or your other loans, you have your money is going down. Now, 11-12,000, 20,000 crore ka, other assets, you have loan, which has gone down to 3,000 crores. You have your short-term loans, you have finished total, and majorly portion of your cash is recovered, which is 5,000 crores. Continuous dilution, you are doing continuous dilution, you are paying either this loan or your loan book ko kam kar rahe. Next, what you see is, why would an NBFC company have 2000 crores of fixed assets? Iske matlab iska koi standalone dhanda bhi hai. Iske andar a mixture of two hai. Ye NBFC ka kaam bhi kar raha hai. Dekho. IFC is an NBFC established in 1948, providing financial support for various kinds of projects such as airports, roads, telecom, power, real estate. Government enterprise hai na. ठीक है, प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहा है, कॉर्पोरेट फाइनेंस कर रहा है, सिंडिकेट एंड सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी कर रहा है, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, अदर प्रोजेक्ट्स इंक्लूड डिबेंचर्स ट्रस्ट सेल्स, सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं। ग्रॉस टेज एसेस डिक्लाइन टू 5835 करोड़, यानी कि भयंकर भर भर के पहले वो एनपीएस थे, भर भर के एनपीएस थे। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, ऐसे क्या हो गया, स्टेज थ्री एसेट्स डिक्लाइन टू 5835, यानी कि पहले ज्यादा होंगे, compared to 8009 crores in FY21, meanwhile the net asset also declined to 1381, yani ki write off le liya, kata piti kar diya, bech diya, asset manufacturing asset reconstruction company ko de diya, theek hai, so bahut sare non performing assets isme rahe hain, borrowing of the company has also reduced from this to this, from 10000 to 5000 in the same period, company has not disbursed new loans between 2022 and 2023, काम ही खत्म हो गया, मैंने काम ही नहीं करा 2022-23 में, कोई नया लोन दिया ही नहीं है, जो पुराने चले आ रहे क्योंकि पैसा आ नहीं रहा है,
इज एक्टिवली प्रस्यूइंग रिकवरी ऑफ एनपीएस एंड रिकवर्ड 714 करोड़ इन 2023 वर्सेस 1100 करोड़ इन 2022। नया धंधा मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा पैसा फंसा हुआ है उसी को ले रहा हूँ, राइट। हाँ सर, लेकिन लेकिन इस पर्सपेक्टिव में अभी आप पीएनएल अकाउंट देखोगे तो इसमें आपको टर्न सर, अराउंड दिख रहा है। ये टर्न अराउंड नहीं है, मैंने कुछ भी नया काम नहीं किया है 22-23 में। आई हैव नॉट हैविंग एनी सेल्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकवर माय फंड्स, दैट्स इट। आई एम नॉट डूइंग न्यू बिजनेस, इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट इज मे बी बाइंग बैक स्टेक, मे बी इसको सुधारेगा करेगा, फिर जाके इसमें या तो डाइल्यूशन करेंगे कुछ करेंगे। तो आपको लगता है कि दिस कंपनी स्टॉक प्राइस कैन रन लाइक अ रॉकेट, वो तो मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट धंधा तो मुझे नहीं, मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, मतलब प्योरली फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव व्हाट आई वाज लुकिंग एट वाज, अगर मैं इसका देखूं सेल्स, तो सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है 33%, जबकि प्रीवियस ईयर्स में दिखा रहा था माइनस में दिखा रहा था। ये वैसे ऐसे अटका हुआ था ना सर, अरे सर तो लेकिन है ना, तो सर वो दैट इज कमेंडेबल ना, यू हैव टू गिव क्रेडिट फॉर दैट ना। ये इसका रिजल्ट का पीडीएफ में देखिएगा ना सर, तो इंटरेस्ट इनकम जो इनका है ना वो फाइनेंस कोर्स से भी कम है। हाँ वो तो कम ही होगा ना, वो क्यों ज्यादा होगा, इंटरेस्ट इनकम रिजल्ट अच्छा कैसे है? अरे नहीं यार, इंटरेस्ट इनकम एनबीएफसी में आपके फाइनेंस कौन से कम ही होने वाला है, वो कभी ज्यादा नहीं होगा। आपको दिख रहा है पर ज्यादा कभी आपका इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम कभी दिख रहा है आपको ज्यादा आज तक है? नहीं, एनबीएफसी है सर, तो वो अगर लोन देगी तो उसको इंटरेस्ट ज्यादा आना चाहिए ना, जो वो फाइनेंस कर रही है उससे। मेरे भैया जो ये बोल रहा हूँ वो अदर इनकम में नहीं होगा ना, अदर इनकम में होगा जो इसके पास बैंक में बॉन्ड पड़े होंगे या एफडी पड़ा होगा, वो अदर इनकम में आएगा। जो उसका इंटरेस्ट अर्न है वो सेल्स आएगी, वो सेल्स में आएगा, वही तो बोल रहा हूँ, सेल्स में आएगा। नहीं सर, उसका सेल्स जो है वो इंटरेस्ट जो पे कर रहा फाइनेंस कोर्स उससे कम है। अरे नहीं यार, आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, कंपनी हैज पॉज इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट्स एंड द एक्टिविटीज वर रिस्ट्रिक्टेड टू रिकवरीज एंड एडवाइजरी एंड मॉनिटरिंग सर्विसेज। इन स्पाइट ऑफ हाई एक्युमुलेटेड लॉसेस नेट ऑफ द कंपनी इंप्रूव फ्रॉम 445 करोड़ टू 626 करोड़ in March 23, TRA of the company has -70% in March 23, which improved to -61. खत्म है ये कंपनी, क्यों क्यों उसमें पंगा ले रहे हो? नहीं नहीं, मतलब सर मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कोई स्टार्टअप है या कुछ ही है, मैं सिर्फ इसको एज अ टर्न अराउंड पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, और यही मेरा कुछ सर, ये डिक्लाइनिंग कंपनी है, मैं शेयर बेच बेच के अपनी रिजर्व को जिंदा रखे हुए हूँ, ये डिक्लाइनिंग कंपनी, ये टर्न अराउंड नहीं, ये खड्डों में जाती कंपनी है। सी माय सीआरईआर कंपनी रिजर्व्स जो मेरे पास है वो -70%। आई डोंट हैव मनी टू डू बिजनेस, इट्स नॉट 60% बिकॉज आई हैव इशूड मोर शेयर्स, सिंपली आई हैव इशूड मोर शेयर्स, दिख रहा ना ये प्रेफरेंशियल 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 गवर्नमेंट टू इशू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने जिंदा रखा हुआ इसको, throwing good money for bad to keep afloat bad assets, liquidity pressures on the company in the next 6 to 12 months, if the planned funds are not raised and NPAs are not materialized, agar fund raise nahi karunga, preferential nahi karunga, to khatam hai meri kahani, agar mere ko NPA realize nahi hoga to khatam hai meri kahani, operating expenses nahi maintain kar payega, नहीं कर सकता ना, ऑपरेटिंग की बात नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब करेगा, जब कोई ऑपरेशन करेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है, ये लोन चुकाना मजबूरी है, तो ये शेयर बेच बेच के लोन चुका के अपना धंधा खत्म कर रहा है। बाद में खेलो इंडिया खेलो, तो पूरी दुनिया स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेट करती, गवर्नमेंट नहीं करती क्या, सब करते हैं। आज तक डिविडेंड दिया है क्या जब से हालत खराब हुई है? पैसा ही नहीं है ना, पैसा ही नहीं है ना, तो बेसिकली बेसिकली इसका रिकवरी प्रोसेस से क्या कर रहा है, फंडिंग इज इंस्टेड ऑफ डेट ही इज डूइंग डाइल्यूशन एंड ही इज यूजिंग दैट मनी टू रीपे हिज डेट एंड जो पैसा जो पीछे पड़ गया अभी अपना वो लोन रिकवरी कर रहा है। इसकी वजह से इसके जो नंबर्स है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होने चालू हुए, कुछ पता नहीं
ओके सर मेरे एडमिशन इज गोइंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इज पुटिंग द फंड्स, गॉट मोदी इट सर। सरकार, मोदी सरकार को बोलना है ना कि हमारे हमारे कार्यकाल में नीरव मोदी जैसे फ्रॉड नहीं हुए, अगर हुए हैं तो सरकार उसको बचाएगी ना। अरे इनके बाप का पैसा है क्या, टैक्स पेयर का पैसा ही है जो गवर्नमेंट डाल रही है इसमें। मरता तो टैक्स पेयर है ना, जो नौकरी करता है, जो बिजनेस करता है छोटा। कंटिन्यूस डायल्यूशंस एंड कंटिन्यूस रिडक्शन ऑफ माई लोन्स एंड पेइंग टू द बैंक्स, बैंक्स रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, वाओ वेरी गुड। सी सी द डेटा, व्हाट द डेटा इज सेइंग, मतलब सिर्फ एक क्रेडिट रेटिंग खोल के बोलिए, ये द डेटा, डाउनग्रेडेड 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 एंड रीअफर्मेशन ऑफ दिस डाउनग्रेड अक्टूबर 2022 में। ये रिपोर्ट आपकी नवंबर 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट है। राइट, एंड व्हाई द मार्केट इज नॉट पेइंग देम नॉट इवन 3 टाइम्स बुक, बिकॉज एसेट क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट। ले लो ना, आपको अच्छा लगता है ले लो, स्टॉक प्राइस चल रहा है, टेक्नो फंडा में ब्रेकआउट आ रहा है, जाओ ले लो, पता चल जाएगा 6 महीने में क्या सर। वह वो परस्पेक्टिव होते हुए आएंगे, फंस गए, फंस सर गए, टेक्नो फंडा में लिया था, ब्रेकआउट में लिया था, जाओ ले लो। चार्ट देखोगे तो ब्रेकआउट भी आ रहा है। अरे सर चार्ट वर्ड सब फालतू की बात है, वेस्ट ऑफ टाइम है ये तो। वो जैसे ना, जैसे वो वेबसॉल तो आपको ब्रेकआउट का पे रैंडम बनता हुआ भी दिखेगा, जैसे वो वेबसॉल घटिया कंपनी ना, ये तो उससे भी घटिया सर, वेबसॉल से भी घटिया है क्या रहा ना सर। और मेरे को तो ना बड़ा अच्छा लगता है जब सामने दिख रहा है ना बिजनेस घटिया है और स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, तो बड़ा खुश होता हूँ कि पब्लिक कह रही कि यार ये तो आदमी बिल्कुल पागल है, फालतू की बातें करते हैं, और हमारा कंपनी तो ऊपर गरीब में, बड़ा खुश होता हूँ। मेरे को अच्छी बात है, और पैसे कमाओ, जब रोगे तो याद करना। बेसिकली हियर एज आई अंडरस्टैंड दो वी सी थिंग्स गोइंग इन गेटिंग मे बी अर्निंग्स गेटिंग इम्प्रूव्ड, बट द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स इज बैड बिकॉज इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम प्रॉपर रेवेन्यू बिकॉज फ्रॉम न्यू लोन बुक, बट इट इज कमिंग फ्रॉम डायल्यूशन। यस 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 एंड इन द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरियना पावर वी सॉ Wari was giving you even after being a EPC contractor, even after being in the business of BSS, they are giving you this is my optimum capacity which I can do my business. एक हद तक जाके मैं काम कर सकता हूँ। Oriana is not giving you that. Rather, they are throwing their money from their bank loans into operating activities. Nisha Gaur ma'am, you have my book. Financial shenanigans. Diksha Kaur ma'am, if you can open that book and you can read, the first way to cheat is to show your bank the money received from the bank as operating activities. And I have written in my very bad pathetic handwriting in that book very clearly. If you read that book, financial shenanigans, you will get my annotations and my written commentary also in that. So which page is that? Page number, I don't remember. And if you want, you can read it in the fraud series also. How people will show income or cash flows received from bank borrowings. Page number, मेरे को exactly अभी ध्यान नहीं है। आप उसके index में जाके देखो, जहाँ पर bank borrowings का नाम आ रहा है, वहाँ पर आपको वो चीज मिल जाएगी। That's a good book, has got lots of knowledge. Recording, the chapter name is Recording Bogus CFFO from a Normal Bank Borrowing. This is the chapter. If you can see that, if anybody wants the PDF, I can give you the PDF. Those who are in the fraud series, I have posted a link. This is the link to that. What I've learned. Recording bogus revenue from bank borrowings. Recording bogus cash flows from bank borrowings. किसी को PDF चाहिए? मैं PDF दे देता हूँ. मेरे पास PDF भी है इसका. चाहिए? हाँ सर, डाल दो ना, वो फ्रॉड सीरीज में ही डाल दो ना. Yes.
इसके बाद एक बुक और है विच इज अ डिफिकल्ट बुक विच इज मच मोर एडवांस इन द फ्रॉड सीजन. उस बुक को तो मेरे को पढ़ने में 3 महीना लगता है. दैट्स अ मच मोर एडवांस बुक. तो जो मेरा बैंक लोन है वो मुझे चुकाना है, वो मेरा घर का पैसा नहीं है. दैट इज नॉट माई कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम माई बिजनेस, नॉट एट ऑल. So there's a big question mark in Oriana, right? तो और किसी का कोई question तो बताओ. Good evening, sir. Good evening, sir. How are you? I'm good, sir. आप कैसे हैं? बस all good, sir. Waiting for you all. Sir, another 2-3 minutes. IFCI को हमने देखा अभी काफी खराब परफॉर्मेंस है. अगर हम इसके प्रमोटर हैं, सपोज वी ऑल आर प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी एंड वी हैव टू रिवाइव दिस कंपनी, देन व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड बी टेकिंग? लाइक सर, फर्स्ट स्टेप व्हाट दे आर टेकिंग इज दे आर ट्राइंग टू नहीं, आपको आंसर नहीं करना है, ये हम लोगों को आंसर करना है. आप तो आंसर करके इसको बचा ही लीजिएगा IFCI को, नहीं तो अपना इन्फ्यूजन कर दीजिएगा. आप इसको खरीद के भी कर सकते हैं. व्हाट वी विल डू बैच 4 टीम इफ वी आर द प्रमोटर, लेट्स थिंक इन दिस वे. गुड क्वेश्चन. प्लीज योर व्यूज. लेट्स थिंक इन दिस वे दैट इफ वी आर द आई मीन प्रमोटर्स होल्डिंग 1% एंड वी आर नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट एंड वी आर कंपनी, लेट्स से दिस IFCI इज बैच 4, नाउ व्हाट वी डू? Working in one company like this, Reliance Home Finance, the only way to do it is infuse capital and start your loan book. You could start it in a small way and do it. Even in our company, what we were doing is we were funding our operations, day-to-day operations by recovery of loan. So I'm aware of a company like this. The only way is talking about IFCI. Are we talking about IFCI right now? I'm giving you a similar situation in which a similar company, and I'm saying my take is others could have their take. My take is the only way to save this would be infusion of capital, maybe a small capital, and start your loan book. Good answer, sir. And where do we get this infusion from? Again, diluting or through? So somebody has to come in. Somebody has to come in and infuse capital. So we were waiting for somebody to come in. He infused 500 crores, and that's how we started. Sir, I have a slightly different view. If the history of the company is that they are habituated to give bad loans, there is an inherent issue in the process. That means there is a problem. आप पैसा कितना भी लाओ, वो नीचे जो आपका जो नल है, नीचे का नल खुला है, तो आप लीकेज हो रहा है. तो there is no point in doing any kind of infusion till you plug in the leakage. First, you have to check कि why the hell did you have so many NPAs? Did you really not even look at the matrices? कि भैया क्या मैं कचरा कंपनी को लोन दे रहा हूँ, क्या मेरे पास कोई कोलैटरल है नहीं है या क्या है? अगर आप बैच 4 चला रहा है तो पहला तो जहां प्रॉब्लम है वो फिक्स करूंगा ना. व्हाई दिस कंपनी हैड टू स्टॉप गिविंग न्यू लोन्स एंड गो इनटू अ रिकवरी मोड टू जस्ट रिकवर, दैट्स अ होल फर्स्ट पॉइंट. एवरीथिंग वाज बैड. सो आई टेल यू अबाउट द वन इन व्हिच आई वाज देयर. सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ एग्जांपल ऑफ अ सिमिलर कंपनी बिकॉज़ आई हैव गॉन थ्रू इट. वर देयर 60% वाज बैड लोन, नथिंग कुड बी डन. Those were loan to friends and relatives, and they were unsecured. The secured part was the one which we were recovering every month and funding our operations. So when I say you'll have to start your loan book, it implies that you'll have your loan, giving your loans and evaluating in the right this thing. Well, that goes with it, I think. So, if it doesn't matter, why would any private investor give you that fund? If you are having a leakage in the board,
ये जितने भी फंड यील्ड है इंक्लूजन ना, किए हैं, ऐसा कौन उसने प्राइवेट हुक इन्वेस्टर है जो नहीं, देगा पैसा जिसको लग रहा है कि ये सुनील सर, सुनील सर, लेट्स गेट बैक टू दिस पॉइंट ओनली, लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। आईएफसीआई को हम कैसे रिवाइव करने वाले हैं? राकेश सर ने कहा कि इन्फ्यूजन चाहिए, इन्फ्यूजन तो आने से रहा, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? इन्फ्यूजन नहीं आ रहा है। नो नो वे टू डू इट, नो अदर वे टू डू इट। You have to start your loan book. So maybe from the amount you recover every month, you start a loan book. All you need to do is start your loan book and give those to the right people. The only way. Loan book is ka ek saal se stopped hai. You need to start that. Sir, I would just add one point. See, just I'm just sharing my screen. I'm not looking at the stock price. I'm just looking at the multiple which the market has to offer the business, and since it is an NBFC, so we're looking just a basic multiple of price to book. And since the last 10 years, they have never hardly ever got a multiple of 1, 1.5. Last 10 years, see from here, one, this is a multiple of one. Here they got one in after COVID, and again came down, and now recently in the NBFC boom, they are having this multiple. This can be because of frenzy of the market or the boom of the market or any damn thing. अभी वो कह रहा है कि मैं recover कर रहा हूँ, I am getting government infusions which they are getting, and I am stopping my thing and I am paying back to the banks. I am going to clean my books. This is what he's saying. But in the last 10 years, he's never got a multiple above one. So why is this so? Why do you think, see, ROC is a metric which is not of any significance in an NBFC company. I'm not talking about the operations, what the operations is doing, because he's got good amount of fixed assets. Let's just basically look at the return on equity, a very basic number. Okay. So rather than calculating, let's take the help of Excel and let's look at ROEs. What are the ROEs you see in this business? I zoom for easy reference. What are the ROEs you see? So from 2016, I have the ROEs. It's in single digit. Single digit? Have minus. You ever created that? Minus. Have you ever created value? Minus. This year only, sir. Otherwise, it's minus. This year, na? Otherwise, it's minus. Now, I would like to compare this with, because my favorite company in NBFC is Group Finance. Company khatam hogi, koi baat nahi. Numbers to hai. This is my favorite company. Just have a look at their ROEs and just compare. Look at their ROEs. ROC ki baat nahi kar raha, ROE ki baat kar raha. Jab tak ye existence mein the. If I want to go into a finance business, if I want to have a finance business, I want ROEs like these. And a company should grow. The loan book should grow, the book value should grow, the asset quality, because superb asset quality. Similarly, when we saw that market was never able to give a ratio of more than one, but you see this, here are the ratios of more than 20, 29 books. Super, super high expenses. और lower side में भी 8 times, 10 times book. ये आपको IFCA को कभी मिला ही नहीं. कभी आपको IFCA में पिछले 10 साल में, 15 साल में stock price को मारो बोली. आपको कभी मिला ये इतना high multiple? My median multiple is 0.6. अभी अचानक ऐसा क्या हो गया मार्केट के अंदर? क्यों मार्केट रिकवरी हो रही है सर? अभी आउटफ्लो नहीं है, अभी इनफ्लो है, बिकॉज़ नाउ देयर इज ओनली कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, बिकॉज़ हम लोग बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं, कैश है, देयर इज वन पॉइंट. अभी ऐसा क्या हो गया? नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी जो हम कह रहे हैं कि हम कैपिटल रेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, कितना पैसा मैंने डाल कर रखा है बिजनेस के अंदर? 4,500 करोड़ रिजर्व एंड इक्विटी एंड ऑल, राइट? है ना, 4,500 करोड़ मोटा मोटा बुक वैल्यू, द सम ऑफ दीज टू नंबर्स. 5,000 करोड़ का मेरा लोन है, 4,500 करोड़ का मेरा इक्विटी है,
व्हाट इज माय मार्केट कैप, स्टॉक पी को छोड़ो, व्हाट इज माय मार्केट कैप, 13,000 करोड़, नाउ 4,500 करोड़, 5,000 करोड़, मेक्स इट मोटा मोटा 9,000 करोड़, सो 9,000 करोड़ आई हैव डन हार्ड मनी इनटू द बिजनेस व्हिच इज नॉट गेटिंग वैल्यूड एट एनीथिंग एंड दैट टू विद दिस हाई मल्टीपल which can get erased very quickly if my two quarter results are bad or three quarter results are bad. Again, it will come down to one. If it comes down to one from three, can I divide the stock price by three? Suppose it is 60 bucks, 20 bucks. Can I divide this market cap by three? कितना हो जाएगा? 4,000 करोड़. Yes, sir. अगर 4,000 करोड़ हो जाएगा, the lenders, the capital providers of the business have got a much better preference than me, the shareholder. The shareholder equity is totally wiped out. तो ये जो भी inflow आ रहा है ना इसके अंदर, ये आपको दिख रहा है capital बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, inflow आ रहा है. And who's putting this money? Government. Issue to government, issue to government, issue to government. Government is putting the money. Preferential shares, किसको दिया? Promoter को दिया, जो भी है. Promoter कौन है? Promoter भी government ही है. और तो कोई है नहीं. President of India. So who's putting the funds? Government of India is putting the funds. अगर ये market की frenzy खत्म हो जाती है और ये NBFC का जो boom चल रहा है ये खत्म हो जाता है और ये चीज मेरे जो multiple है वो किस normalize हो जाता है, मतलब सिर्फ normalize कर रहा हूँ मैं, ज्यादा लोग नहीं कर रहा हूँ, जितना इसका last 10 साल का track record है. So my dear respected President of India, are these funds belong to the President of India or these funds are belong to the people of the country who generally pay taxes? We people of country. जैसे बर्बादी कर रहे हो ना, क्योंकि आप अगर डेप्ट को ही दोगे तो 4,000-5,000 करोड़ से ऊपर आपकी मार्केट कैप बचती नहीं है, तो मोटा मोटा आपके डेप्ट ही सेटिस्फाई होगी ना. सो यू नीड मोर ऑप्शंस. सो यू आर पुटिंग गुड मनी टू इरेडिकेट बैड मनी और टू मेक इट बैड मनी. So whatever money is going into the business is getting barbaad. Stock prices, stock prices, sir, stock prices up. The stock prices up 300%. हाँ रहेगा, मुझे पता है, क्योंकि पहले बीजेपी गवर्नमेंट बोले कि कांग्रेस के जमाने में इन्हें बहुत बैड लोन्स दिए, बर्बाद किए कांग्रेस सरकार ने. बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस उठा लेगी, कांग्रेस गवर्नमेंट बीजेपी उठा लेगी, यही चलता आ रहा है इंडिया में और यही चलता रहेगा. आप और हम क्या कर सकते. हाँ, बनाने का पर्पज भी वही है ना सर, कि इंडस्ट्रियल को प्रमोट करना है, तो प्रमोशन के लिए जब बनाएगा तो मेजोरिटी लोग डिफॉल्ट करेंगे या अगर चीट करेंगे तो पैसा जाएगा ही जाएगा. अब जो बंदा एनपीए हो गया, क्या उस पर लीगल कार्रवाई हुई है क्या? वो तो चल गया इंडिया से, झोला उठा के निकल पड़ा, गवर्नमेंट पैसा डाल के बचा दिए, इलेक्शन सर पे खड़े हैं. एक भी बैड न्यूज आ जाएगी तो मोदी जी को वोट कौन देगा? वेरी सिंपल. व्हाई टू गेट इनटू द मेस. यस सर, एनपीए करेगा, सस्ते में कंपनी बिकेगी, बड़ा बड़ा प्रमोटर खरीदेगा, फिर उसको चला देगा उसको. ये कंपनी है सर, कंपनी का नाम है टाइम्स गारंटी. इसमें हुआ क्या था, इसमें एक मैनेजमेंट चेंज आया था. मैनेजमेंट चेंज आते देखो ये क्या हुआ, 68 रुपीज का स्टॉक प्राइस 140 हो गया. ये जूम 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 करके इसमें वॉल्यूम आ गया, सब कुछ हो गया और भयंकर काम हो गया. मैंने भी इसमें काम किया, नथिंग रॉन्ग इट. द स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड. Why it was undervalued? Because the market cap was even lesser than the equity on the books. So Benjamin Graham type play tha hai. Again an NBFC. Correct? Forget the stock PE or sab kuch. Now look at the book value. In the last 10 years, have they gone this kind of a book value, which is price to book of 3? Nahi. So ye jo multiple jitni jaldi badh raha hai, agar ye mera badhta hua multiple, main stock price ki baat kar raha hu, is supported by my बढ़ते हुए earnings, then I am in a very good spot. Then I have, वो गाड़ी होती है ना, 4x4 गाड़ी होती है जो एकदम, जिसमें पावर गियर होता है, फिर मैं पावर गियर वाली गाड़ी चला रहा हूँ. If I am only playing on the multiple growth, which is not backed by earnings, मैं बहुत जल्दी गिरने वाला हूँ. वही हुआ, multiple from 3 came down to 2, right? Stock price from what? Last 1 year. From 150 is now down to 90. Why? My multiples have come down. Why my multiples have come down? Because there is an anticipation कि नया promoter आया है, वो कुछ करेगा, पैसा डालेगा, इसको कंपनी को चलाएगा, अच्छी बात.
आज के तारीख में सितंबर बैलेंस शीट में मेरी बुक वैल्यू कितनी आती है, मोटा मोटा 44 करोड़। बट आउट ऑफ दिस 44 करोड़, 22 करोड़ तो मैंने इन्वेस्टमेंट्स में रखे हुए। नाउ दीज इन्वेस्टमेंट्स आर इन म्यूचुअल फंड्स और इन लिक्विड बॉन्ड्स और सब्सिडीज ऑफ माय ओन कंपनी, आई डोंट नो, करेक्ट? 30-20 करोड़ के मेरे इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं। वो रेस्ट ही सेज आई गॉट अ 20 करोड़ कैश जो अचानक ही कहीं से आ गया, जिसके आने की कोई पहले कभी कोई उम्मीद मुझे तो दिख नहीं रही थी, बट अचानक ही जादू तरीके से यहाँ 20 करोड़ कैश आ गया। जादू 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 तो जादू होता है, राइट? एंड व्हाट इज माय लोन बुक, 2 करोड़। व्हाट वाज माय लोन बुक, 11 करोड़। सो बेसिकली द बिजनेस हैज गॉन डाउन एंड सम मैजिकल वे आई हैव गॉट 20 करोड़। अब ये है कि भी नहीं है वो तो राम जाने। सुनील सर से ना ऑडिटेड, सत्यम भी ऑडिटेड था बट वो कैश ही नहीं था। अगर तो ये 20 करोड़ मेरे पास कैश है तो थोड़ा तो मेरे को अदर इनकम ब्याज के पैसे आ रहे होंगे ना। 20 करोड़ के ऊपर मेरे को 2 लाख का ब्याज आता है क्या साल का? 20 करोड़ का अगर मैं बैंक में एफडी कराता हूँ 8% पे, 30% टैक्स भी कट जाएगा, 20 करोड़ का मान लो 5% भी आ रहा है तो कितना हो गया? 1 करोड़ रुपए तो होता ही है सर का, 5% से भी आ रहा है तो ब्याज तो 2 लाख है, तो कैश है कि नहीं है पता नहीं। I don't know. इन्वेस्टमेंट्स खुद ही में कर रखे हैं, खुद ही की सब्सिडी में कर रखे हैं, और ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। सुनो सुनो, अगर मैंने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो म्यूचुअल फंड मुझे डिविडेंड भी देते हैं, डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। अगर मैंने कोई लिक्विड बॉन्ड में कर रखा है तो मुझे एनएवी देगा, कहीं तो मुझे कमाई आएगी ना इन्वेस्टमेंट करके। 22 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट है जो पहले 30 करोड़ था, अदर इनकम तो मुझे कुछ आई नहीं। चलो सेल्स मान लेते हैं बिकॉज दिस इज एन एनबीएफसी कंपनी, सेल्स के रूप में कुछ तो कमाई आनी चाहिए। विच वेयर इज द बैलेंस शीट, आई एम अ बैलेंस शीट फेलो, आई जस्ट गो टू द बैलेंस शीट फर्स्ट बिफोर लुकिंग एट एनीथिंग एल्स। एवरीबडी वॉन्ट्स टू जम्प टू द बैंक बोरिंग्स, बैंक हैज गॉट 20 करोड़। From where I don't know, investment from 30 crores has gone to 21 crores. So 10 crore यहाँ से आया हो, अब ये other financial assets से आया हो। So look at note number 4 and note number 6. ये दो ही चीजें इस कंपनी के अंदर और कुछ नहीं। So note number 4 and note number 6. Because NBFC की बात हो रही है, so that is why I'm again on NBFC only. Note number 4. Fixed deposit in the bank. More than 3 months. ये 3 महीने के ऊपर का fixed deposit है। तो सर fixed deposit 20 crore का bank के साथ है। 20 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट का मेरे को 8% या 7% तो ब्याज मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, 7% तो बेयर मिनिमम मिलेगा, और टैक्स की एंट्री तो अलग से होती है, तो 1 करोड़ 40 लाख की तो एंट्री दिखनी चाहिए थी। सितंबर के बैलेंस शीट आ चुकी है और सितंबर का मेरे पास रिजल्ट भी आ चुका है। मेरे पास 1 लाख रुपए सितंबर में आया है, इसके अलावा कुछ नहीं आया। और ये जो 1 लाख रुपए मेरे पास सितंबर में आया है, विच इज इंटरेस्ट इनकम, तो मैंने जो मैं वो कर रहा हूँ बिकॉज आई एम एन एनबीएफसी कंपनी, ये मेरा इंटरेस्ट इनकम है। वेयर इज माय दिस 1 लाख रुपए में से भी 60,000 रुपए तो मेरा ये है, लैक्स में है ना, 60,000 तो मेरा डिविडेंड इनकम है, राइट? तो मैंने जो 22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, विच इज 20 करोड़ एफडी, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, I have not sold any asset. This is the gain which I am showing to you at the fair value changes of my investment. Which means what? Which means this. If I close all this, sorry. Which means, अगर मेरा यहाँ कोई investment है, यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ ये बढ़ जाता है, या जो भी हो जाता है, whatever investment is, तो ये मैंने अपना revenue generate किया है 3 lakh rupees, which is hardly anything, hardly any great number. Where is other income or interest income? So that means he is not keeping that money in the bank for the entire period to accrue that interest. It is just coming back into the bank. Sir, पैसा तो, लेकिन अगर एक ही महीना रहा है तो 1 ही लाख रुपए उसको इंटरेस्ट मिला, बाकी तो 10 महीने बाद। अरे सर रुको तो सही, 31/3 को भी यही अमाउंट था और 30/9 को भी यही अमाउंट था, पैसा तो बैंक में ही है।
हाँ सर, लेकिन बीच में से तो जा सकते हैं ना बाहर। ये गेस वर्क हो गया ना। चलो एक काम और करते हैं, हो सकता है हम गलती कर रहे हो। जो मेरे को इंटरेस्ट इनकम आएगी, रेंट एक्सपेंसेस इज 1 लाख, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स कितना इंटरेस्ट इनकम है? 1.53 करोड़ 6 मंथ्स। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हैज गॉट टू पार्ट्स, वन पार्ट इज माई एफडी का ब्याज, वन पार्ट इज माई इनकम फ्रॉम माई इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों का पार्ट है विच इज 1.53 करोड़, राइट। अदर फाइनेंशियल एसेट्स में ये सब पैसे मैं बराबर कर देता हूँ। एम आई मेकिंग एनी कैश? नो, आई एम बर्निंग कैश। ठीक है, नाउ सी वेरी नाइस थिंग, ये क्या रिपोर्टेड पीरियड है? ये क्या रिपोर्टेड पीरियड? क्रॉस जूम करूं? सितंबर सितंबर। यहां पर वो दिखा रहा है मेरे पास बैंक में 20 करोड़ की एफडी पड़ी है, लेकिन जब मैं कैश फ्लो में चला जाता हूँ, कैश फ्लो में वो 20 करोड़ की एफडी बैंक से गायब हो जाती है, जैसा कि सुनील जी बोल रहे हैं। बिकॉज ही इज टेकिंग इट आउट सर। वो अगर आपको एनुअल रिपोर्ट में पूरे साल भर का इंटरेस्ट 1 लाख रुपए दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो 1 या 2 अप्रैल को वो पैसा गायब हो रहा है और 28 मार्च को या 1 मार्च को वापस आ रहा है, ताकि 1 महीने का इंटरेस्ट 1 लाख आ जाए, बाकी के 11 महीने वो जहां चाहे वो यूज कर रहा है। आपको बैलेंस शीट तो दो ही फाइनल है, सिर्फ एनुअल में ही आएगी एज ऑन 31 मार्च। एज ऑन 31 मार्च 20 करोड़ है, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो इंटरेस्ट फ्री यूज कर रहा है वो पैसे को। तो क्या ये कंपनी अभी इसके अंदर कुछ भी है बिजनेस कहलाने लायक? है ना सर, 40% ऑपरेटिंग मार्जिन का 80% ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया, वाओ, मार्जिन एक्सपेंशन, कुछ भी है इसको आप बोल सकोगे कि कोई धंधा है? इज ही मेकिंग एनी आरओईज? ये भी किसी दूसरे दूसरे कंपनी के साथ एसोसिएटेड है ना, मतलब ये दिस इज नॉट लाइक अ स्टैंडर्ड इसमें लोन। ये इसमें इसमें मैं प्रमोटर चेंज हुआ है, इसमें प्रमोटर चेंज हुआ है। हाँ, तो मतलब बेसिकली ही इज यूजिंग इट लाइक अ फाइनेंस कंपनी फॉर हिज बिजनेस ना। हाँ, इसमें हमारे भैया भी बैठे हैं। मतलब माय क्वेश्चन वाज दिस इज लाइक सिमिलर लाइक हाउ एसजी फिंसर और अदर्स और लाइक सर हाउ एपीएम पोलो इज डूइंग राइट। प्रॉब्लम हैपेंड बिकॉज सर संजय गुप्ता पिक्ड अप मुंगीपा सिक्योरिटीज फ्रॉम मुंगीपा कैपिटल एंड मेड इट इन एसजी फिनसर्व एंड इंफ्यूज्ड फंड्स इन इट, सो वी मिस्ड, सो हु द पर्सन वी मिस्ड, वी आर इन हाई फोमो, सो वी आर अज्यूमिंग दैट द न्यू प्रमोटर हु इज अ बिग गाय, यस डेफिनेटली इज अ बिग गाय, विल इंफ्यूज फंड्स इन इट एंड रन द शो बिकॉज ही इज गॉट अनदर एनबीएसए कंपनी। इफ ही लीव्स इट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स आई एम गॉन, मेरे पैसे तो अटके हुए हैं। एंड व्हाट हैव आई बॉट? आई हैव बॉट द परसेप्शन, आई हैव नॉट बॉट द अर्निंग्स बिकॉज देयर आर नो अर्निंग्स, जस्ट द परसेप्शन, एंड आई एम वेटिंग, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड आई एम वेटिंग। तो सर वही कमिंग बैक टू, मैं वही शशि सर का क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। व्हेन ही आस्क्ड आईएफसीआई को बैच 4 कैसे रिवाइव करेंगे, तो शशि सर पहला आंसर मेरा ये है कि पहले तो जो रिकवरी प्रोसेस ठीक करो, दूसरा ओनली गिव सिक्योर्ड लोन्स, एंड तीसरा फाइंड अ कंपनी लाइक एसजी लाइक एपीएल अपोलो वेर यू आर बेसिकली हैविंग अ टाइम, दैट्स द ओनली होप। मैं बताऊं इसको कैसे सही करेंगे? इसको किसी बड़ी अच्छी कंपनी के साथ गवर्नमेंट मर्ज कर देगी, हो गया सर, तो सर वही भूल जाएगी। अभिषेक सर थोड़ा सा एनलाइटमेंट मिला आपको कि हाँ मैं जी, क्यों बताया? यस सर, आई ज्वाइन लेट सर, बट काफी कुछ एनलाइटमेंट मिला सर। स्पेशली टाइम्स गारंटी को लेकर। यस सर, सर व्हाट अबाउट इफ वी सेल आर लोन बुक टू एआरसीज टू हाँ रेज मनी? वी कैन सेल, बट एआरसी आपको 1 रुपए के सामने 10 पैसे 20 पैसे देगी। हाँ तो कुछ तो फंड आएगा क्योंकि हमें तो तो पैसे कुछ तो फंड चाहिए आएगा, तो स्टार्ट। इक्विटी शेयर होल्डर तो मर गया ना,
अभी आईएफसीआई है, सपोज मान लो आई एम हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग सपोज द एआरसी इज वेरी जनरस, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी एंड द एआरसी सेज आई विल गिव यू 40% ऑफ योर लोन बुक पीरियड, इतना मिलता नहीं है, इतना मैं बहुत जनरस चीज बोल रहा हूँ. सो इफ आई गेट 40% ऑफ माई लोन बुक, सपोज माई लेट्स टेक इट 40% ऑफ दिस 8500 crores, कितना हो गया? What is 40% of 8,500 crores? So 40% of 1,800 crores? 8,500 crores. 3,200. Now, what are these investments? Let's have a look at these investments also. So again, let's go to the balance sheet. और देखते हैं investment क्या है. Bond वॉन्ड है कि ये भी loan वॉन्ड में अटक रहे. Sir, mutual fund है, bond है. Page number 62. Page number 62. क्या है जी मेरे पास मोटा मोटा, ये पूरे आ जाएंगे. गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, डेट सिक्योरिटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में तो चलो आगे पीछे होगा ही होगा, और ये मोटा मोटा पूरे आ जाएंगे. ठीक है, तो 8,000 करोड़ का मेरे को 3,200 करोड़ तो यहां से मिल जाएगा एआरसी को बेच के, और मोटा मोटा 8,500 करोड़ मेरे को यहां मिल जाएगा. तो व्हाट इज 8,500 प्लस 3,000? 11,500 में से ये भाई साहब तो मेरे को खा जाएंगे. कितना बचा? 5,000-6,000 ही तो बचा जी. 5,000 जो बचा, उसके बाद जो मेरे पास ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, ये भी तो मेरे को जान खाएंगे कि भैया हम भी तो हैं, और ये जो अदर लाइबिलिटीज हैं ये भी तो जान खाएंगे. चलो मान लो ये भी हमने इनको 50-50% फ्री कर दिया, अदर लाइबिलिटीज को हमने 2,500 में फ्री कर दिया और इसको हमने 1,500 में फ्री कर दिया, 6,000 में से 4,000 उड़ गया. हाँ जी सर, 2,000 बच गए. क्योंकि जो बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये तो बेचारे कट पिट के सबसे आखिरी में इनका नंबर आता है. सर इनको 1 रुपया मिलेगा उनका शेयर का, जितना शेयर होल्ड करते. ले लो सर, टेक्नो फंडा में ब्रेकआउट आ रहा है. मैं क्या बोलूं आगे. फेस वैल्यू शेयर का बस, और क्या हुआ, दैट इज व्हाट इज योर होल्डिंग. 1 रुपए का शेयर है, कंपनी 1 रुपए वापस दे रही है, और क्या. नहीं सर, वो भी 1 रुपए देना भी जरूरी नहीं है कंपनी के लिए. द बेस्ट पार्ट इज दे विल मर्ज इट विद सम अदर कंपनी. और मैं वही बोला, मर्जिंग इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज देन यू आर लुकिंग एट द इंटरेस्ट ऑफ अ लार्जर, एंड व्हेन ड्यूरिंग द मर्जर दी शेयर होल्डर्स विल गेन व्हाट एवर दे कुड गेन व्हिच दे वुड नेवर अदरवाइज गेन बाय सेइंग एज अ स्टैंड अलोन. गवर्नमेंट की गमी, गवर्नमेंट डूबे थोड़ी देगी, गवर्नमेंट मज कर लेगी, मजा करो. इट इज बट ऑब्वियस कि यार सब कुछ तो नंबर में लिखा है सामने, फिर भी हम क्यों नहीं समझ पाते. सर जब टाइम गारंटी आई थी, सर जब टाइम गारंटी आया था सर, उसका पहला वाला सर, तब मार्केट कैप, हेलो, तब मार्केट कैप 33 करोड़ था इन्वेस्टमेंट. मैं कह रहा हूँ तब मार्केट कैप 33 करोड़ था इन्वेस्टमेंट, और बुक वैल्यू जो वो लोन बुक थी वो 44 करोड़ थी. 11 मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, बट इट इज अ टर्न अराउंड. गॉट इट. द एक्सेप्ट द अजम्पशन वाज कि नया प्रमोटर आएगा, नया भाई आएगा, कुछ करेगा, पर उसने करा ही नहीं है. तो वाई शुड आई गो, मैं अंधेरे में तीर क्यों चलाऊं? तो मैं एक काम करूंगा ना, मैं अंधेरे में तीर चलाऊंगा, जहां भी जाके तीर लगेगा वहां पर मैं बुनसाई बना दूंगा. सो आई विल वेट फॉर हिम टू एटलीस्ट डू समथिंग, लेट हिम डू समथिंग. यहीं पे वो प्रमोटर, यस सर, अगर प्रमोटर यहीं पे क्या करता कि एक कोई अनाउंसमेंट लाके या कोई कैपिटल इन्फ्यूजन ले आता, देन तो बात अलग होती. तो बात अलग हो जाती. बट आपको लगता है कि ऐसे टर्न अराउंड सिचुएशन में मुझे अपने पोर्टफोलियो का 5, 10, 25, 15, 40% बेट कर देना चाहिए?
सर 1-2% ज्यादा तो नहीं करना चाहिए। करेक्ट, नहीं क्रैकिंग कंटेंट रखो ना 1-2%, अगर कुछ करेगा देन आई लैड बिकॉज हाउ द बिजनेस विल फंक्शन, व्हाई शुड आई गो इन एंटीसिपेशन एंड बेट माय मेजर चंक ऑफ माय पोर्टफोलियो, इट मेक सेंस। ट्रेड कर रहे हो वो अलग बात है, ट्रेड करो अपना प्रॉफिट जेब में डालो मस्त हो जाओ वो अलग बात। ठीक है सर, थैंक यू। अगर आप देखोगे पिछले 2-3 महीने के अंदर ना सारे एमबीसी कंपनी के स्टॉक प्राइस पागल हो गए, सारे सारे। क्यों 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 पागल हो गए, क्यों बताएगा? या आप लोग इतना अलर्ट हो, इतनी पढ़ाई करते हो, सब कुछ पता है आपको, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है इसलिए? नहीं नहीं, लिक्विडिटी सर, लिक्विडिटी, इजी मनी। Because of liquidity, the multiples have expanded. Multiple माने price to book ratio, price to earning ratio, जो भी multiples हैं ना, multiples have expanded. Now whatever NBFCs will deliver on the numbers, they will stay there or they will increase. And whatever will not be able to deliver on the numbers, वो गए खड्डे में। तो मल्टीपल एक्सपेंड इसलिए किए क्योंकि अर्निंग प्रोस्पेक्टिव लोगों को दिख रहा है, एक तरह से परसेप्शन है कि हाँ सर मल्टीपल एक्सपेंशन इसलिए, परसेप्शन इसलिए, सबसे बड़ा परसेप्शन हो गया यार इंडिया में तो सोलर लगना है, हर घर पर मोदी जी सोलर लगा रहे हैं, तो हर एनबीएफसी को सोलर को जाके पैसा देना है, ठीक है, परसेप्शन है। क्या वो होम फाइनेंस कंपनी हो चाहे वो गोल्ड फाइनेंस हो, सबको सोलर के पीछे भागना है, पागलपंती चालू है। ये देखो जरा इरेडा का मल्टीपल 6x 5x बुक वैल्यू, पागलों वाला रेशियो है। हाँ यहाँ पर अर्निंग आ रही है, ऐसा नहीं है अर्निंग नहीं आ रही है, अर्निंग आ रही है, बट हैज द अर्निंग ग्रोन क्वार्टर ऑन क्वार्टर? ईयर ऑन ईयर तो अच्छा ग्रोथ आ गया, 1000 का 1400 हो गया, 250 का 337 हो गया। अब गवर्नमेंट कह रही है साहब जितने भी सोलर कंपनीज हैं उनको हम महंगा नहीं देंगे, उनको हम सस्ता लोन देंगे, तो क्यों इंडिया में लेना जरूरी है? वो बाहर के किसी कंपनी से एफसीसी भी नहीं ले लेगा सस्ते रेट में लोन, अगर वो बड़ी कंपनी है तो, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो, व्हाई ओनली टेक लोन्स इन इंडिया? बट दिस इरिडा व्हेन द आईपीओ केम इट वाज वन टाइम बुक। और मुझे एक बात बताऊं, इरिडा ने एक मेजर चंक लोन दे रखा है जेंसोल को, जो बहुत महान कंपनी है। मुझे कैसे पता क्योंकि मैंने जेंसोल की एयर में देखा हुआ है। सो व्हाट इज जेंसोल? जेंसोल इज मेकिंग सोलर, यस दे आर मेकिंग सोलर, दे आर रेजिंग फंड्स ऑफ मेकिंग फ्रॉम देयर सोलर बिजनेस एंड पुटिंग इट इनटू देयर प्लांट इन पुणे, व्हिच दे से वी आर गोइंग टू मेक एन ईवी कार। लोन्स कहां से आ रहे हैं? इरिडा से आ रहे हैं। एनपीए होगा कि नहीं होगा वो आप खुद सोचो, मुझे नहीं पता। तो क्यों मल्टीपल बढ़ रहे हैं? तो क्यों मल्टीपल बढ़ रहे हैं? अभी शशि सर एक कंपनी है जो एनबीएससी सेक्टर को लोन देते हैं, और शुक्ला सर एक कंपनी जो एनबीएससी सेक्टर को लोन नहीं देते, पर शशि सर शुक्ला सर से लोन तो ले सकते हैं ना, क्रॉस एनबीएससी फंडिंग तो होती है। हाँ ले ही सकते हैं सर। तो बस आप होम फाइनेंस के हो, आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठा रखा है, अगर आप कोई दूसरे फाइनेंस कर रहे हो, गोल्ड फाइनेंस के हो, आपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में डाल दिया, यही तो वर्ड डीएचएफएल के साथ लिक्विडिटी कम, लिक्विडिटी में उसको मार दिया, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाया सस्ता मिलता है, लॉन्ग टर्म में चला दिया आगे पटक के। इसलिए व्हेन द फुल सेक्टर इज गोइंग मैड दैट मींस पीपल आर रनिंग टू इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर। आपका ठीक है जाओ पैसे कमाओ, कोई मना नहीं करता, अच्छी बात है, दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की करो, बट वहां जाके मोटा एलोकेशन करना, चल गया तो वाजी वाह आप राजा बन गए, और अगर नहीं चला तो छुट्टी, गेम से आउट। गेम खत्म तो यही होता है, बिल्कुल होता है, तो गेम खत्म होता है कि कैपिटल अगर जो है वो एलोकेट हो गई। आज क्या हो रहा था, आज हमारी एक कॉल चली थी, नाम नहीं लूंगा मैं, हमारे 4-5 दोस्तों की एक कॉल चली थी, तो उसमें हमारे एक दोस्त ने बोला कि यार अगर बड़ा पैसा बनाना है, अगर मैं मोटी एलोकेशन नहीं करूंगा और मेरे को तो जल्दी पैसा बनाना है, तो मैं कैसे करूंगा, ट्रेडिंग में करता नहीं मैं तो इन्वेस्टर हूँ।
सर मैंने उसको तो नहीं बोला, अच्छे फ्रेंड है, सब लोग आपस में फ्रेंड है, तो मेरे को एक लाइन याद आती है, राकेश ने बोला जी टीवी पे हमेशा बोलते थे, लर्न टू डू अ मिस्टेक, लर्न टू डू अ मिस्टेक वेन यू सर्वाइव टू डू द नेक्स्ट वन, बिकॉज मिस्टेक्स विल हैपन, गलतियां होंगी, वही गलती करो जिसको आप सर्वाइव करके अगली गलती करने की क्षमता आप में हो, ऐसी गलती मत कर बैठो कि जिसके से आपको अगली गलती करने की क्षमता ही नहीं, यानी कि आप गेम से आउट ही ना हो जाओ। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, मैंने बहुत इशारा भी करा, अलर्ट भी करा, डांट फटकार के भी करा, बहुत नहीं समझ में सामने वाले को तो मैं क्या करूँ, मैंने तो पूरी कोशिश करी और भले के लिए करी कि मत करो ये गलती, मत करो ओवर एलोकेशन, नहीं माने को नहीं माने। अच्छा सेम कंपनी के अंदर मैं भी इन्वेस्टेड हूँ, एक्स वाई जेड कंपनी, कोई किसी कंपनी का नाम नहीं करो, पर मेरा एलोकेशन उनसे बहुत कम है, हो सकता है नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे कम होंगे उस बारे में कोई अपना कोई बुराई नहीं है, बट परसेंटेज वाइज पोर्टफोलियो एलोकेशन वाइज बहुत कम है। यस सर, रिस्क प्रोफाइल अलग अलग हो गया, जैसे सर अंडर एलोकेशन से यू कैनॉट यू कैन नेवर क्रिएट वेल्थ और रिटर्न ऑल्सो अंडर एलोकेशन से, वैसे ही ओवर एलोकेशन से जो आपने आज झुंझुनवाला जी वाली बात बोली कि आप बचोगे ही नहीं तो फिर वापस क्या हुआ था ना, क्या हुआ था ना, जब ये डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ था ना 8 नवंबर को, एंड 9th एंड 10th को छुट्टी थी, एंड मंडे मॉर्निंग द मार्केट क्रैश्ड, एंड आई वाज इन्वेस्टेड हेवीली इन इमामी लिमिटेड, और मेरे पास लिक्विडिटी नहीं थी और सब कुछ हालत खराब हो गई, तो आई सोल्ड ऑफ जो भी प्रॉफिट लॉस कर को लगा जो भी कटौती करके, देन आई गॉट शिट स्केट, मैं कहा आई विल नॉट एलोकेट 4-5 लाख रुपीस, मोर देन 4-5 लाख रुपीस इन एनी स्टॉक, बट द मार्केट रैन लाइक हेल, क्या जंप आया था मार्केट में, दैट वाज द टाइम टू एलोकेट, देन अगेन आई हैव एन इंटरव्यू दिस ऑफ दिस आल्सो, आई ट्रांसक्राइब इंटरव्यूज, आई रीड देम एंड आई लिसन टू देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। 2008 संजय पुगलिया फ्रॉम सीएनबीसी आवाज वाज इंटरव्यूइंग मिस्टर राकेश झुनझुनवाला आफ्टर द फॉल, एंड ही सेड we are in a state of shock, I can tell you word by word, line by line, mere dimag mein to ye aisa hai ki it is like memorized, listen to this movie maybe more than 100 times, he said we are in a state of shock, this is the time to buy the riskiest assets, aur us time 2008 mein ho media mein chal raha tha, अरे राकेश भाई का पोर्टफोलियो 500 करोड़ से गिर गया, 1000 करोड़ से गिर गया, ये हो गया, खत्म हो गया, तो कोई बंदा 50,000 करोड़ का होके मरा जिसका पोर्टफोलियो 1000 करोड़ नहीं था उस टाइम, ही सेड दिस वी आर इन द स्टेट ऑफ शॉक। 2008 का फाइनेंशियल लेमन क्राइसिस, 2016 का नोटबंदी क्राइसिस, 2012 का क्राइसिस, 1% का क्राइसिस, सत्यम का क्राइसिस, कोविड, ये जितने भी क्राइसिस हैं ये हैं तो सब क्राइसिस, नाम अलग, मुखौटे अलग अलग हो गए, लॉजिक विल रिमेन द सेम, नेम्स विल चेंज, व्हेनेवर यू हैव अ क्राइसिस नाउ इज द टाइम to buy the riskiest assets. Vijay Gadia sir bought Tejas Network 80 lakh shares. Until date, there is no cash flow in Tejas Networks. From 40 rupees, the stock went to 800 bucks. One investment, life changed. Wasn't Tejas risky without cash flows in a downfall? Obviously it was. Baad mein Tata ne usko le liya. बाद में टाटा ने किसको ले लिया, सिमिलरली आई गॉट अ चांस टू बाय बीएससी, लॉजिक बता चुका हूं मैं आप लोगों को कैसे लिया, और मैं सच्ची बोलता हूँ हंसना मत, मैंने आज तक बीएससी की एनुअल रिपोर्ट भी खोल के नहीं देखी, मेरे को उसके कवर पे उसकी फोटो नहीं पता, एट 400 बक्स नोबडी वांटेड टू बाय बीएससी क्योंकि चार्ट खराब था, एंड द फुल एक्सचेंज वाज अवेलेबल फॉर 10-500 करोड़ मार्केट कैप, अरे पूरी दुनिया में कोई एक्सचेंज मिलता है क्या 500 करोड़ मार्केट कैप, वो भी इंडिया जैसे कंट्री में, मतलब ही नहीं। तो यू बाय व्हेन देयर इज शॉक, व्हेन द कैपिटल साइकिल इज नॉट इन फेवरिंग योर इंडस्ट्री, दैट इज द टाइम टू बाय, नॉट व्हेन द कैपिटल साइकिल इज फेवरिंग योर इंडस्ट्री, इफ यू वांट टू बाय ठीक है, दैट इज ट्रेडिंग, आपने 5-25% 1x किया, फोटो डाल दी, लोगों ने आपको ताली मार दी, वाओ व्हाट इनसाइट्स, कांग्रेचुलेशंस कर दिया, वो सब फालतू की बात है, उससे ना आपको कोई भला हो रहा है ना सामने वाले को भी भला हो रहा है,
बट यू डोंट गेट योर हाउस इन द कैपिटल साइकिल इज एट द पीक, मतलब तो मेरे मल्टीपल एक्सपेंड कर रहे हैं, तब मैं जाके अपना पूरा पोर्टफोलियो टाइम्स गारंटी जैसे स्टॉक में डाल दूं, मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ. दिस इज जस्ट मेंटालिटी. क्यों? क्योंकि सब लोग उसी की बात कर रहे हैं, ये ले लो, वो ले लो, ये कर लो, वो कर लो. लर्न टू कीप योर हेड इन प्लेस व्हेन अदर्स आर लूजिंग देयर्स. इफ यू कैन डू दैट यू आर मच बेटर देन द क्राउड. इफ यू कांट, लेते रहो टिप्स और सब्सक्रिप्शन और ये करते रहो, डिंग डोंग करते रहो. कोई बोलो यार मेरे तो पैसे नहीं बन रहे, मार्केट तो सटोरिया है, समझ ही नहीं आ रहा मार्केट. और यही होता है हमारे सब, हम लोग रिटेल लोग हैं भाई. इन द स्टेट ऑफ शॉक आई गिव यू माय पर्सनल डिस्क्लोजर. धनंजय जी, सुनील जी डिलीवरी शीट बना रहे थे. आई जस्ट पिक्ड अप वन इन्वेस्टमेंट व्हिच वाज एसडीएफसी. डिपॉजिट पहले का भी था, डिफरेंशियल का भी था, ऊपर के प्राइस का भी है, इस प्राइस से भी लिया एंड आई एम लोडेड लाइक एनीथिंग. द थिंग इज Every two days, Sunil ji is punching that Excel sheet. Every one or two days, मैंने इसके बाद एक दो बार कोशिश करी उस शीट को देखने के लिए. मैंने आपको बताया ये चीज अच्छी है, बट इसके अलावा मैंने कोई इन्वेस्टमेंट लिया उस शीट में से? नहीं. क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि मुझे धंधा ही समझ में आया. आउट ऑफ सो मेनी मुझे धंधा ही समझ में तो डर सबको लगता है, स्टॉक नीचे सबको डर लगता है. व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. मैं छोड़ दिया, मैंने पॉज करनी बंद कर दी. नीचे चला गया यार, टेंशन हो रही है, छोड़ दो. आई रीड सो मेनी बुक्स. आप भी सोचते हो यार बड़ा अजीब आदमी है, पहले तो कॉल 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 कर रहा था, अब कॉल ही नहीं कर रहा. कुछ तो चेंज आया ना ग्रुप के अंदर, नोटिस किया कि नहीं किया? मार्केट चेंज, यू हैव टू चेंज. इफ यू आर स्टक, नहीं यार मैंने लिया है ये कंपनी और मेरे हिसाब से ये होगा, बी स्टक, यू विल बी स्वाइप्ड आउट और पता भी नहीं चलेगा. एम आई सेइंग राइट और रॉन्ग? प्लीज गिव योर व्यूज. 100% राइट सर. एंड अपन सब मार्केट से फाइट तो कर नहीं सकते, लेकिन हम ऐसे स्टेट में आ जाते हैं. Correct. जब जब स्पेशली कोई स्टॉक सर्किट 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 जा रहे होते हैं और अच्छी दुनिया लेने को भाग रही होती है, हमको लेना होता है. क्यों? क्योंकि चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा होता है. मैं आपको खुला बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग लाइन पे बोलता हूँ, जैसे आप लोग जो भी हो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं. जिंदगी भर भी लगे रहो ना चार्ट पे, जिंदगी भर दुनिया के भगवान को भी लिया हो ना, ये टेक्निकल है तो भी आपके पैसे नहीं बनने, जिंदगी भर लगे रहो. खुला बोलता हूँ सर. चंदर भाटिया जी हैं वो एक में बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं वो. उनका ट्वीट था अबाउट मोती ओसवाल एंड कि कैसे लोकेशन एंड कैसे पेशेंस पेज ऑफ. तो उसमें विवेक रानी का उनका कमेंट था कि उन्होंने अपना एक वो शक्तिमान का चार्ट डाला और मार्क था कि हैड यू फॉलो टेक्निकल्स अलोंग विद दिस तो आपको ये इतना पेशेंस का जरूरत नहीं पड़ता और आपके रिटर्न ज्यादा होते और इस पीरियड में आप इससे बाहर हो सकते थे. इमीडिएटली नीचे में रिप्लाई किया कि आई चैलेंज यू टू टेक अ पीएमएस लाइसेंस एंड शो द परफॉर्मेंस एंड देन टॉक ऑल दिस थिंग्स. मतलब बहुत गंदे तरीके से उन्होंने लताड़ा उनको. सर मैं क्या कहता हूँ, देखो सबकी इज्जत करनी चाहिए, एवरीबॉडी इज रिस्पेक्टेड. जो भी वो अपना काम कर रहे हैं वो उनका काम है, वो अच्छे फ्रेंड भी हैं एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. एंड मेरे को किसी के काम के बारे में मुझे कुछ बोलने का कोई नहीं. मुझे किसी की पर्सनल काम के बारे में मुझे कोई बोलने का हक नहीं है और मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो मैं इस बारे में नहीं कमेंट करूंगा. जो वो कर रहे हैं वो अच्छा है, मैं कुछ भी अच्छा या बुरा कोई कमेंट नहीं करूंगा. आई हैव नो व्यूज. माय पॉइंट इज आई कैन अश्योर यू, आई कैन अश्योर यू, आई कैन अश्योर यू, एक्टिव मैनेज फंड्स, पीएमएस फंड्स, टेक्निकल्स, प्राइस एक्शन कैन नॉट बीट वैल्यू इन्वेस्टिंग गेन्स in the long run. Long run is 10 years, not 10 days or one day. Cannot beat. Ek example deta hu, apne group mein bhi ek acche friend hai. I will not record this. Let me stop the recording. Aur baap re